नगर परिषद भवानी मंडी निकाय चुनाव में अध्यक्ष के चुनाव के दौरान भाजपा की ओर से जमकर क्रॉस वोटिंग हुई है। दो निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में भाजपा के तीन उम्मीदवार द्वारा क्रॉस वोटिंग के चलते भवानी मंडी में नगर तीन उम्मीदवार द्वारा क्रॉस वोटिंग के चलते भवानी मंडी नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में कांटे की टक्कर के बीच में कांग्रेस ने बाजी मारते हुए कांग्रेस के कैलाश बोहरा 8 मतों से विजयी हुए। भवानी मंडी पालिका चुनाव में कुल 40 पार्षदों में से भाजपा व कांग्रेस के 19-19 पार्षद विजयी थे। साथ ही दो अन्य निर्दलीय पार्षद चुने गए थे। जहां पिछले करीब 7 दिनों से असमंजस बना हुआ था कि आखिर बोर्ड किसका बैठेगा, वहीं यहां चुनाव में कांग्रेस नेता गड़ी जीत हासिल की है। रिटर्निंग अधिकारी राम प्रकाश ने बताया कि भवानी मंडी नगर पालिका के अध्यक्ष चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी कैलाश बोहरा को 24 मत प्राप्त किए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पिंकी गुर्जर को 8 मतों से पराजित किया। भाजपा के पिंकी गुर्जर को 16 मत प्राप्त हुए। जीत का श्रेय किसे हो गया? जनता को देंगे। जीत का श्रेय क्या? भवानी मंडी शहर की जनता देंगे। उन्होंने हमारी कांग्रेस पार्टी पे आस्था रखी और जनता के ही जो उनकी दुआ थी, जनता की दुआ थी, हमारे आस्था प्रकट की। पूरी जनता का, पूरी भवानी मंडी जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी विश्वास रख के हमारे को अच्छे बहुमत से जीता है। और सभी पार्षदों को मैं बिल्कुल धन्यवाद देता हूँ। उनने भी हमारे 24 वोट दिए हैं, 40 में 24 आए, भारतीय जनता को 16 मिले। और मैं पूरी भवानी मंडी का ध्यान रखूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी नहीं मानूंगा। पूरे शहर का विकास कराएंगे, पूरे शहर को साफ सुथरा रखेंगे। और पचपाड़ के लोग यहाँ आते हैं तो पचपाड़ के लोगों में मेरा, हमारी जो पार्टी का विचार था, घोषणा पत्र में भी था, ऐसे कई घोषणा पत्र कई हमारे बिंदु हैं, उसके अंदर हमारा एक ये भी बिंदु है पचपाड़ के अंदर जो हमारा शहर है, जो भवानी मंडी के लिए इतनी दूर से आता है, तो वहाँ पर हम एक ऑफिस डालेंगे नगर पालिका, वहाँ से आवेदन ले लें और यहाँ पर आवेदन ला के हमारा दिशा जी अधिकारियों के अधिकारियों को दे लें और उनकी जन समस्या का यहाँ से समाधान करके वापस कागज लेके पचपाड़ जाए ताकि उन लोगों को यहाँ पे चक्कर नहीं काटने पड़े। और आने वाले टाइम में प्रशासन शहरों का शायद मार्च में या अप्रैल में हमारे स्वास्थ्य शासन मंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब मुख्यमंत्री जी ला रहे हैं। और पहले जो मैं जब चेयरमैन पूर्व में अध्यक्ष था तो जब प्रशासन शहरों की ओर आता था तो हमने नगर पालिका में प्रशासन शहरों का आज तक नहीं लगाया। हमने हर वार्ड वाइज गली गली में जाके प्रशासन शहरों की लगाया ताकि वहाँ की जनता को लाभ मिले, नगर पालिका के चक्कर नहीं काटे। उसके अंदर तहसील भी आर्किटेक्ट जो उमेश जी हैं वो भी पूरा नगर पालिका स्टाफ है, तहसीलदार, मतलब पट्टा हम घर घर जाके ठेला चला चला के लोगों में पट्टे दे के आए। जैसे नवाज कॉलोनी है 2-3 हज़ार में हमने पट्टे दिए, तो इसी तर्ज पर हम वापस अब प्रशासन शहरों को जो आगा जितनी भी जन समस्याएँ हैं, पट्टों की समस्याएँ हैं, वो सब समस्या निस्तारण हम वहाँ के मुख्य उनके जो वार्ड है, वार्ड में हम कैंप लगाएंगे। सभी अधिकारी या पूरा प्रशासन यहाँ पे जाएगा, उन सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अभी इस चुनाव के अंदर जैसे एसडीएम साहब, तहसील है, पुलिस प्रशासन है, डिप्टी साहब है, सीआई साहब है, एसडीएम साहब है, तहसीलदार साहब है, अध्यापक है, जितने भी पूरा स्टाफ है, सरकारी मशीनरी है, आरएसी बटालियन है ये कोटा से, उसको भी मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जिनमें भी आप पत्रकार बंधु जिनने भी हमारा को सहयोग दिया है, भवानी मंडी की जन समस्या उठाई है, तो उनको सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस तरह उठा। और आप भी अगर हम जन समस्या कोई रहती है अगर हमारे ध्यान में नहीं आती है तो आप भी